हेलो प्यारे बाल को, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, टेस्ट सीरीज जो है हम ऐप पर ऐड कर दिए हैं। ऐप पर आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए और अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि हर चैप्टर में आपका कितना अच्छा तैयारी है। और मॉडल सेट भी ऐड कर दिया गया है उसमें आंसर के साथ, तो मॉडल सेट जब भी पढ़िएगा तो हर बार में पूरा ही एक बार में रिविज़न हो जाएगा। तो ज़रा ऐप पर जा करके उस सबको पढ़िए बारी बारी से, ठीक ना, तब भी जाकर आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ना है लेसन 9 का वीडियो नंबर 3 है, मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ना है कि मधुमक्खी क्या होता है, इसका पालन कैसे किया जाता है, मधुमक्खियों के अलग अलग लक्षण के बारे में पढ़ना है कि मधुमक्खियों का लक्षण क्या होता है, और अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सी मधुमक्खी किस प्रजाति की होती है और कितना शहद देता है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग की जो मधुमक्खी पढ़ना है उसका नाम है एपिस डॉर्सेटा, जिसको हम लोग कहते हैं भंवरवा, कहते नहीं कि भंवर भंवर, ये भंवर अति मद है कि खदेर खदेर के काटता है। अगर छत्ता में ढेला मार दीजिएगा तो जहाँ तक ले आप जाइएगा वहाँ तक ले खदेर के काटता है, वही भंवरवा मद है। इसके एक छत्ते में 15 से 20 किलो शहद होता है, लेकिन सबसे बड़ा बात हो कि इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता है, इसको आप पाल के रख नहीं सकते। अगर जहाँ मर्जी होता है वहाँ लगाता है छत्ता, और जब मन करता है तब उड़ जाता है सर। और इसके एक छत्ता में कम से कम 15 से 20 किलो शहद की, सॉरी 15 से 40 किलो शहद की प्राप्ति होती है। उस छत्ता के आकार पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा छत्ता लगाएगा। जहाँ गलती से भी ढेला होकर मार दिए छत्ता में, कहाँ तक ले खरीदेगा कोई ठीक नहीं। हम ही एक बार मार दिए थे अगर छत्ता में ढेला, इतना दूर तक ले खरीदा था कि जाके हमको बोरिंग के पानी में कूदे पड़ गया, तब पनियों के ऊपर भनभना रहा था, लेकिन हम डुब्बी मार के तनी दूसरा जगह निकल गए तब बच गए, नहीं तो दिन तो हमारा काट के छील देता सर। तो काटा था ऐसा बात नहीं है, रास्ता में भागे के दौरान एक आध दो को काट भी लिया था, लेकिन फिर भी लास्ट में दौड़ के जान बचा के भागे, नहीं तो दिन तो हमारा हॉस्पिटलाइजे कर देता ऐसी सब, इतना था सब। बचपन की बातें हैं जब हम बहुत छोटे थे, छोटा मतलब एकदम बच्चा नहीं, 12-10 साल के थे उस समय की बात है। बदमाशी उस उम्र में कुछ ज़्यादा ही होता है सबके। फिर देखिए एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया क्या होता है, ये 250 ग्राम शहद देता है आपका। फिर है एपिस मेलिफेरा, ये सब मधुमक्खी के प्रकार है, ठीक है। फिर ये यूरोपियन मक्खी है, ये 30 से 40 किलो शहद देता है आपका, ये 30 किलोग्राम से 40 किलोग्राम शहद आपको प्रदान करता है। सब ये सब मधुमक्खी की प्रजाति है और सबके द्वारा दिए जाने वाले शहद की मात्रा है। मधुमक्खी का जीवन चक्र, देखिए मधुमक्खियों का जीवन चक्र कैसे चलता है। सबसे देखते होंगे कि आप जब एथी आता है होली के समय, तो उस समय देखिएगा मधुमक्खी ज़्यादा खेत में दिखाई देता है सब फूल के रस चूसते हुए, उसको वसंत ऋतु कहते हैं। तो वसंत ऋतु में मधुमक्खियों की अत्यधिक मात्रा पराग एवं फूलों का रस एकत्रित करती है, जिसके बाद रानी मक्खी जल्दी जल्दी अंडे देती है। सबसे ज़्यादा अंडा देने का काम कौन करता है, रानी मक्खी ही काम करता है। रानी मक्खी दम छत्ता के बीच में रहता है और उसमें दो प्रकार की और मक्खियाँ होती है, एक वो श्रमिक मक्खी होता है, ऐसे वो नर मक्खी होता है। तो रानी मक्खी जो जल्दी जल्दी अंडा देती है, जिससे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, और उसके बाद रानी मक्खी हजारों श्रमिक मक्खियों के साथ है तथा नर मक्खियों के साथ छल्ले को छोड़कर उड़ जाती है। उपयुक्त स्थान पर नए छत्ते का निर्माण करती है। रानी मक्खी के शुक्रधानी में इतने शुक्राणु होते हैं कि वह 3 से 4 वर्षों तक निषेचन करते रहती है और दो प्रकार के अंडे देती है। देखिए रानी मक्खी के जो होता है ओकर एथी में शुक्राणुधानी में इतना अंडा होता है, शुक्राणु होता है कि वो 3 से 4 साल तक ले लगातार निषेचन करके अंडा दे सकता है, ठीक ना, इतना अंडा होता है, इसलिए इसको रानी मधुमक्खी कहा जाता है। ओकरे पर पूरा छत्ता टिका रहता है, क्योंकि पूरा जो उसमें जो भी श्रमिक मच्छी मक्खी और नर मक्खी मतलब मधुमक्खी जो होता है यही सबको पैदा करने का काम करती है। अब बात आता है कि उसमें कुछ मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खी कैसे हो जाती है और कुछ मधुमक्खियाँ नर मधुमक्खी कैसे हो जाती है, और ये सब छत्ता को अपना घेर के रहता है जहाँ भी रहता है। और श्रमिक मक्खी का काम होता है मधुमक्खी मध फूलों के रस से जो एथी होता है मकरंद, उसको चूस चूस के ले आना। और सबसे बड़का बात है
कि वो सब अपना मुंह में चूस के ले आता है, सब मुंह में से वो गुल देता है सब अथी में सजा के बढ़िया से। फिर देखिए है निषेचित द्विगुणित अंडे, जो ओकरा में अंडा होता है वो दो प्रकार का अंडा देता है। तो सबसे पहला क्या है निषेचित द्विगुणी अंडे, ये मिश्र क्या होता है इसमें गुण सूत्र की संख्या 32 होता है, क्योंकि रानू मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है। तो उसमें पहला आपका निषेचित द्विगुणित अंडे, इसमें कितना क्रोमोसोम होता है 32 क्रोमोसोम होता है, जो विकसित होकर के रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी का निर्माण करती है, जिसमें 32 क्रोमोसोम होता है वो आगे चल के विकसित होकर या तो रानी मक्खी बनता है या तो श्रमिक मक्खी बनता है, यानी कि मधुमक्खी लेबर। फिर अनिषेचित अगुणित अंडे, तो जो अनिषेचित होगा ओकरा में 16 गो होगा और जो द्विनिषेचित होगा ओकरा में 32 गो होगा। तो इसमें गुण सूत्रों की संख्या 16 होती है, जो विकसित होकर के नर मधुमक्खी का निर्माण करता है, यानी कि जो अंडा जो है अनिषेचित रह जाता है, जिसका निषेचन नहीं हो पाता है, तो वो आगे चल के नर मधुमक्खी बन जाता है। जो निषेचित होता है वो या तो रानी मक्खी बनता है या तो श्रमिक मक्खी बनता है, ठीक है। मक्खी मतलब मधुमक्खी समझिएगा, ठीक ना, मक्खी मतलब वो मत समझ लीजिएगा जो घरे हम लोग के मक्खी उड़ते रहता है, यहाँ पर मधुमक्खी की बात हो रही है। अब है संचार एवं मधुमक्खी का नाच, आखिर मधुमक्खी आपस में बातचीत कैसे करती है और बातचीत के दौरान किस प्रकार के नाच करके कैसा सूचना देती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कार्ल गॉन्सफिस ने मधुमक्खी की नाच की व्याख्या की है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने दो प्रकार के मधुमक्खी के नाच की व्याख्या की है, वैज्ञानिक के नाम है कार्ल गॉन्सफिस, यही मधुमक्खी के नाच के बारे में व्याख्या किए हैं और इनके लिए इस बात के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैसे कैसे व्याख्या किए हैं भाई, तनिए आगे देखते हैं। देखिए फिर गोल नाच है, पहला हमारा पॉइंट क्या है गोल नाच, पहला पॉइंट है गोल नाच। जब मधुमक्खी गोले गोले कहीं पर ही नाचेगी तो उसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत यह होता है कि यह नाच यह बताता है कि भोजन स्रोत का छत्ता से 75 मीटर से कम दूरी है। जैसे मधुमक्खी गोल गोल एक ही जगह नाचने लगे तो इसका मतलब है कि जो भोजन स्रोत है जहाँ से ढोंढो के लिए आना है तो वो छत्ता से 75 मीटर से कम में दूरी पर है, 75 मीटर से कम दूरी पर, तो समझ जाता है सब उसके पीछे पीछे चल देता है सब, जाके फिर ढो के ले आता है। फिर देखिए दुम हिलाना, मधुमक्खी दुम कब हिलाती है भाई, तो मधुमक्खी दुम कब हिलाती है जब इसको बताना होता है कि छत्ता जो है 75 मीटर से दूर है, भोजन स्रोत जहाँ से भोजन ले आना है छत्ता से 75 मीटर दूर है, तब जाके वो दुम हिलाता है। इससे यह पता चलता है कि भोजन 75 मीटर से दूरी पर है, ठीक ना, 75 मीटर से दूरी पर है तो उसमें दुम हिलाती है मधुमक्खी। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा कभी भी आएगा था। एपिकल्चर जिसको हमें हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है एपिकल्चर, कैसे हम लोग मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं वैसे मधुमक्खी पालन को यह कहते हैं एपिकल्चर कहते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करके उससे शहद और मोम प्राप्त करना मधुमक्खी पालन या एपिकल्चर कहलाता है। जैसे अभी एक से एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग मधुमक्खी का पालन करके उससे शहद भी प्राप्त करते हैं और उससे मोम भी प्राप्त करते हैं, तो यही क्या कहलाता है एपिकल्चर कहलाता है वैज्ञानिक विधि से। ऐसे नहीं कि आपके घर में आके छत्ता लगा दे रहा है वो साल भर में, तो वो वाला नहीं, हम लोग पालते हैं अपना पूरा व्यवस्था करके वैज्ञानिक तरीके से, मधुमक्खियों को सारा व्यवस्था देते हैं, फिर मधुमक्खियों जब पनपता है उससे हमको मध भी प्राप्त होता है यानी कि शहद भी और मोम भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही आपका एपिकल्चर के नाम से जानता है। मधुमक्खी पालन का वीर मधुमक्खियों का चयन, कैसे किया जाता है, तो इसके लिए देखिए मधुमक्खी स्वभाव में सरल होनी चाहिए। पहला इसका है कि मधुमक्खी का स्वभाव जो सरल होना चाहिए, इन्हें कि पता चले कि गए मधुमक्खी हमरे पका कर दिया आक्रमण कर दिया। हालांकि मधुमक्खियों को जब तक ले आप छेड़िएगा नहीं तब तक ले वो किसी को काटती नहीं है, सामान्यतः ऐसे दूसरों कोई छेड़ के भाग जाएगा तो आप वहाँ रहिएगा तो आपको काट लेगा, क्योंकि वो आसपास में कोई रहिएगा। ऐसे ही नहीं कि मधुमक्खी के छत्ता में कोई और ढेला मार दिया, आप वो खड़ा है कि हम तो ढेला मरबे नहीं कि हम तो निर्दोष हैं हमारा नहीं काटेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ जो रहता है ओकरा काट लेता है, ठीक ना। यही बात पर हमारे वो जैसे हम लोग जब छोटा थे तो बड़ा खुरपाती करते थे, तो वो जो पीला वाला हडवा होता है ओकरे खोता था,
तो हम कहने कि एकरा कोई भी छेड़ेगा नहीं तो काट लेगा, तो वो कह रहा है कि नहीं हम नहीं छेड़ेंगे तो हमारा नहीं काटेगा। तो हम कहें कि ठीक है तो हम छेड़ के एकरा भागते हैं, तो ये खड़ा रहना का तो नहीं काटेगा, तो हम ओकरा में ढेला मार के भाग गए हैं। और वो ये खड़ा था ओकरा कहना था कि हमारा नहीं काटेगा, और ओकरे सबसे ज़्यादा काटा, ओकरा 4-5 गो काटा तो चिलाइत भाग गया। फिर हम तो पहले ही भाग चुके थे ढेला मार के। तो ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ता में आप ढेला मारिएगा तो ही आपको काटेगा, दूसरा कोई भी ढेला मार देगा आप या रहिएगा तो वो आपको सोचेगा कि यही मारा है, काट लेगा आपको। श्रमिक मधुमक्खियों में विभिन्न, देखिए श्रमिक मधुमक्खियों का क्या काम है, श्रमिक मधुमक्खियों में विभिन्न पौधों के पुष्पों से रस एकत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो श्रमिक मधुमक्खी होता है उसमें यह क्षमता होना चाहिए कि अलग अलग पुष्पों से जाके रस चूस करके, यानी कि मकरंद चूस करके क्या करे, छत्ता में अपना इकट्ठा करे फूलों से चूस करके। फिर देखिए तीसरा पॉइंट इसमें कि मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण। आखिर मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो ऐसी खुला में थोड़ी पालन कीजिएगा, उसके लिए कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या क्या व्यवस्था हम लोग करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है कृत्रिम मधुमक्खी कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका होना चाहिए, पेटिका होना चाहिए, कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका होना चाहिए। इसका आविष्कार अमेरिकी नागरिक लैग स्ट्रॉय ने 1851 में किया था। इस पेटिका को दो भाग में बांटा जाता है, इसके नीचे का भाग बड़ा होता है तथा ऊपर का भाग छोटा होता है, उसी में हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विधि सबसे पहले ही अपनाए थे। ऐसे तो मधुमक्खी हम लोग के घर में आकर लगती ना था दीवार पर पेड़ में, तो वो सब आप पाल नहीं रहे ना, वो तो अपने मन से लगाता है, अपने मन से उड़ जाता है, तो वैज्ञानिक विधि नहीं हुआ। इसके नीचे के भाग को जनन कोष्ठक कहते हैं तथा ऊपर के भाग को सुपर कोष्ठक कहते हैं। उन दोनों का अलग अलग करने वाले भाग को रानी कोष्ठक कहते हैं, जिसे एक ऊपरा भाग है वो निचला भाग है, दोनों चेंबर को जो अलग करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रानी कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये तो हम लोग के पढ़ ही लिए। मधुमक्खी पालन के उत्पाद, मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो आखिर उससे क्या क्या आपको मिलेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मधुमक्खी पालन करेंगे तो हम लोग के तो दो चीज़ मिलता है, शहद मिलता है और मोम मिलता है। अब देखिए जैसे कि मधु मतलब हनी, 200 ग्राम शहद आप खाइएगा, 200 ग्राम शहद खाइएगा तो लगभग 11.51 ग्राम दूध और 1.6 kg क्रीम या 350 ग्राम मांस के बराबर पोषण प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 200 ग्राम शहद खा लिए, प्योर शहद जो आप छत्ता से निकाले हैं, वो सब नहीं जो बेचे आता है सब ले कर बल्टिया में, वो सब मीठा चीनी से बनाता है, जैसे होता है ना गाँव में घूम के शहद बेचता है बल्टिया में लेके, तो वो सब मत खरीदिएगा कभी भी। उस जानते हैं अगर हम देखें आँख से बनाते हुए मीठा चीनी सुबह सुबह घोर के बना रहा था सब, हम देखे तो कहें कि अरे तेरी के जरूर। वो सब जो आदिवासिया होता है जो रोडवा के किनारे कहीं कहीं टेंटवा गिरा के रहता है सब, कहीं कहीं फील्ड में कहीं कहीं जगह रहता है तो गिरा के रहता है सब, तो वही सब बना रहा था सुबह सुबह। देखें रनिंग करने गए थे देखे कि तेरी भूत के जरूर, ये सब मद चीनी मीठा घोर के मद बना रहा है, और वही सब अगल बगल इलाका में जाके बेचता है सब, तो उसे डुप्लीकेट देता है, उसे मत खरीदिए कभी भी। भले आपके घर में लगेले रहेगा वो दम उतरेगा ताज़ा ताज़ा, तो वो एगो अपन बल्टी लेके आता है सब, कहेगा कि लाइए हम उतार देते हैं, और वो में मिला देगा वो अथिया रख लेगा वो वाला दे देगा अपन वाला, तो अपन बल्टी दीजिए कि हमारा एकरा में निकाल आ यही वाला हमारा देना, ओकर बल्टी वाला मत लीजिएगा, उसमें चीनी या मीठा से बनेले रहता है सब, और झूठों के मधुमक्खी के वो छत्ता में डले रहता है घूम घूम के बेचित रहता है सब, बड़ा बड़ी ठगन होता है सब। तो वही है कि 200 ग्राम यदि आप मध खा लेते हैं तो 11.51 kg दूध और 1.6 kg क्रीम या 330 ग्राम मांस के बराबर पोषण देता है, यानी कि देखिए कितना फायदेमंद है। जो मध निकाले जाता है सब ना जंगल में, तो वो सब क्या करता है दिन भर भूखले रहता है सब, जैसे सुबह खाना खा के गया आ दिन में क्या करता है कि वही में से इसे लेता है एक औजूरी से चाट लेता है जो पेट पेट निकालता है घूम करके, तो वो सब कहीं खाए थोड़ी जाता है, वो दिन भर ओकरा पोषण मिल जाता है, दिन भर टनाटन रहता है सब,
न थकता है न हारता है। प्योर मत खा लीजिएगा डेली 200 ग्राम तो आपको दिन भर तक खाना खाए की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मध शुद्ध होना चाहिए, दिन भर खाना खाए की आवश्यकता नहीं। इतना पोषण दे देगा आपको शरीर में कि दिन भर ले आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार खाली 200 ग्राम मत खा लिए तो शरीर के पोषक तत्व तो सारा पूर्ति हो जाता है, बहुत सारा उसमें चीज़ होता है। अब देखिए, मधुमक्खियों का मोम, मधुमक्खी से हम लोग मोम प्राप्त करते हैं, जिसे लाख का कीट, इससे मधुमक्खी से हम लोग मोम प्राप्त होता है, मधु प्राप्त होता है, दो बात याद रखिए। अभी वो लाख का कीट, जैसे एक कीट है जो लाख उत्पन्न करता है, लाख के देखिएगा चूड़ी उड़ी बनता है, लाख सबसे ज्वलनशील पदार्थ होता है। महाभारत में एक कहानी सुने होंगे कि दुर्योधन जो है एगो रेथी था कारीगर, ओकरा से एगो लाक्षा ग्रह बनवैले था घर, और वो घरवा में पाँचों पांडव और कुंती के माता कुंती के मारे के प्लान था, और पूरा घरवा लाख के बना था। लाख में एक बार आग लग जाता है तो उसको बुताना नामुमकिन होता है, आप उसको बुता ही नहीं पाइएगा पानी फेंक फेंक के बाल्टी से, बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो लाख प्राप्त कैसे होता है, अभी फिलहाल में लाख से चूड़ी बनता है, लाख का चूड़ी बनता है। तो लाख का कीट, देखिए लाख कीट ये कैराकडिया लाइका के नाम से जाना जाता है, यह छोटा रेंगने वाला कीट है जो पीपल बरगद एवं अन्य वृक्षों पर पाया जाता है। यह वृक्षों के उत्तक रस को चूसता है तथा अपने लार ग्रंथि द्वारा भूरे रंग का रेजिन, भूरे रंग के क्या करता है, रेजिन स्रावित करता है, जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर बन जाता है। ये देखिए, ये जो पिल्लू है यानी कि जो कीट है, ये कीट का, ये कीट का काम क्या है भाई, ये कीट जो है आपका रेंगने वाला कीट है, पेड़ पर ऐसे ऐसे रंगते रहता है, इसे ऐसे ऐसे करके रेंगते रहता है। पीपल और बरगद के पेड़ पर और अन्य वृक्षों पर ही पाया जाता है, और क्या करता है कि ओकर वृक्ष के जो उत्तक होता है ओकरा से रस चूसता है, और रस चूस के अपना लार ग्रंथि द्वारा भूरा रंग का रेजिन उत्सर्जित करता है। वो रेजिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आने पर वो कठोर हो जाता है। अब उसका जानकारी आपको होगा कि हाँ यही लाख है, तो आप उसको इकट्ठा कीजिए, और ऐसा हो सकता है कि लाख वाला कीट के आप पालन करते हैं तो बहुत सारा लाख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका खेती भी होता है, लाख वाला जो कीट है इसका पालन किया जाता है और उससे लाख प्राप्त किया जाता है, हालांकि बहुत महंगा होता है। फिर देखिए, इसका जीवन चक्र के बारे में हम लोग पढ़ना, लाइफ साइकिल के बारे, इसमें भी नर एवं मादा के निषेचन के पश्चात नर की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि नर और मादा का जब निषेचन होता है तो जो इसमें नर होता है उसका मृत्यु हो जाता है। निषेचन के बाद मादा लगभग 200 से 500 तक अंडे देती है, या अंडे अक्टूबर नवंबर में दिए जाते हैं। जिस निषेचन के बाद क्या होता है कि नर इसमें मर जाता है, मादा जो 200 से 500 करीब में अंडा देता है, और ये अंडा कब देता है तो जनरली अक्टूबर और नवंबर महीने में देता है, और वही सब विकसित होकर के और संख्या में बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए, लाख के अंडे, तो जो लाख के अंडे है 200 से 500 वो अंडा के क्या होता है, देखिए अंडे निषेचित एवं अनिषेचित दोनों प्रकार के होते हैं। जो 200 से 500 अंडा देता है उसमें कुछ अंडा निषेचित होता है, कुछ अंडे अनिषेचित होती हैं, तथा दोनों प्रकार के अंडे से नए नर एवं मादा उत्पन्न होते हैं, और कुछ समय बाद अंडे फूटकर लार्वा बन जाते हैं। जैसे जो निषेचित और अनिषेचित अंडा है उससे नर और मादा का निर्माण होता है, और कुछ समय के बाद विकसित होकर के क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है, यानी कि ठीक ना, लार्वा बन जाता है, और लार्वा बन जाता है वो सब धीरे धीरे अपना विकसित होगा। अब देखिए लार्वा का क्या होता है भाई, तो यह लार्वा लाल रंग के नाव के आकार के होते हैं, और उसके बाद यह क्रॉड बन जाते हैं। लार्वा फिर किस में बदल जाता है, ये क्रॉड में बदल जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर लाख की खेती के बारे में, वही फाइनली जो विकसित होकर के और एक शिशु के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और फिर अपना वही काम करेगा, वो भी पेड़ के वृक्ष है ओकर उत्तक रस चूसेगा, लार ग्रंथि में जमा करेगा और निकालेगा लार ग्रंथि से, तो उसमें वो भी कड़ा बन जाएगा फिर कठोर। फिर देखिए लाख की खेती, लाख की खेती क्या होती है, इसकी खेती निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि लाख की खेती ऐसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें प्रोसेस है संरोपण। इस प्रक्रिया में लाख के कीट को पौधे पर भली भांति व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाख के कीट लाते हैं
और पेड़ पौधा पर इसको आराम से रख देते हैं कि धर भाई तू यहीं पे चढ़ जो, अब यहीं पे तू खाना है, यहीं पे अपन प्रोडक्ट निकालना और उस प्रोडक्ट का उपयोग हम करेंगे। इसके लिए ऐसे पौधे का चयन किया जाता है जिस पर आसानी से लाख के कीट रस चूस सके। तो अब ऐसा पेड़ पर मत रख दीजिए वो कीट के कि बेचारा रस से चूसला बिना मर जाए सब पेड़ में से, ऐसा पर रखिए कि ओकर कोशिकाओं में से रस आराम से क्या कर सके, चूस सके, नहीं तो फिर उतर के दूसरा पेड़ पर भाग जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव जिसको जहाँ भोजन नहीं मिलता है वहाँ से वो पलायन कर जाता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। भोजन पहला प्राथमिकता हर जीव का क्या है, भोजन, उसके बाद एक कुछ दूसरा प्राथमिकता है, ठीक है। तो ऐसा पेड़ पर रखिए कि ओकरा मिल सके भोजन, नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर भाग जाएगा। फिर है वृंतन। वृंतन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कीट पोषक पौधे से अलग होकर एक खोखली गुफा का निर्माण करते हैं जो बाद में लाख से भर जाती है। जैसे उसी में क्या होता है, खोखला गुफा बनाता है, उसी में अब अपना जा कर के त्याग करता है, धीरे धीरे ओकरा में लाख का होता है, भर जाता है, वो पूरा खोलवे के हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाख की उपज प्राप्ति कैसे होता है, पोषक पौधों से लाख प्राप्त करने की प्रक्रिया उपज प्राप्ति कहलाती है। पोषक पौधा मतलब जो उसको पोषण दे रहा है लाख की कीट को, तो उससे हम लोग जब लाख प्राप्त करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, उपज प्राप्ति कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद लाख का आर्थिक महत्व कि लाख का हम लोग आखिर लाख की खेती हम लोग कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को क्या फायदा होगा, वो बिना फायदा के तो मनुष्य कोई काम करता नहीं है, चाहे कोई भी आदमी हो। हाँ, हमारे माता और पिता जो है वो बिना फायदे के हम लोग पर सारा अपना धन दौलत लुटा देते हैं कि आगे चल के फायदा देवे चाहे न देवे, बिना मोह माया के सारा पैसा खर्चा कर देते हैं हम लोग के पढ़ाई लिखाई पर। तो इसलिए अपने माता पिता के जो आशा आपसे बंधा हुआ है कि अपना जीवन के सारा पूंजी आपको लगा के पढ़ा रहे हैं, उस पर कभी पानी मत फेरिएगा, ठीक है, नहीं तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो लाख का आर्थिक महत्व तो क्या है भाई, इसका प्रयोग पॉलिश रंग गहनों के खोखले स्थानों को भरने, बटन बनाने, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना बनाने कितना काम आता है लाख है। पहले तो इसका पॉलिश बनाने में काम आता है, फिर रंग बनाने में काम आता है, फिर गहना बनाने में काम आता है, गहना मतलब वही से चूड़ी कंगन जो हो गया ये सब जितना है, फिर खोखले स्थानों को भरने वाले फिर बटन बनाने में काम आता है, जो लोग के बटन बनल है सब, फिर आपका चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आता है, फिर विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब विद्युत रोधी, जो विद्युत रोधी उपकरण बनता है हम लोग के, जो भी आपका जो बोर्ड है चाहे वो भी है, तो उसमें जो इंसुलेटर मटेरियल होता है वो भी सब लाख का बना होता है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोधी का ही काम करता है हम लोग के इलेक्ट्रिक उपकरणों में। फिर इसके बाद है रेशमी कीट। जिस तरह से हम लोग लाख के कीट पाले हैं उसी तरह से रेशम के कीट होता है। रेशम के कीट को सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। सहतूत माने तूत, जो हम लोग के घर नहीं तूत के पेड़ होता है, तूत फरता है लाल लाल, हम लोग खूब खाते हैं, लाल करिया सब फरता है, खाने में बड़ी मजा आता है, पकता है। तो रेशम के कीट क्या होता है, यह कीट अपने लार ग्रंथि से एक द्रव्य स्रावित करता है जो महीन चमकीले एवं अति लंबे धागे का निर्माण करती है। इसी धागे को रेशम कहते हैं। ये जो रेशम की कीट है अपने लार ग्रंथियों से एक द्रव्य निकालता है और जो महीन चमकीले और अति लंबे धागे का निर्माण करता है, इस धागे को हम रेशम कहते हैं। रेशम कीट पालन को रेशी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा कि रेशम कीट जब हम लोग पालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशी कल्चर कहते हैं। जैसे मधुमक्खी वाला एपी कल्चर हुआ, मछली वाला पीसी कल्चर हुआ, रेशम के कीट पालन करते हैं तो क्या होता है, रेशी कल्चर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेशम की कीट की जातियाँ कि रेशम की कीट की कितनी जातियाँ है भाई। पहला है बॉम्बिकस मोराई। बॉम्बिकस मोराई यह सहतूत की पत्तियाँ खाती है, इसी कारण इसे सहतूत का रेशम का कीट कहा जाता है। सहतूत माने तूत, जो हम लोग के घर तूत के पेड़ होता है खेत बगान में, तो वही सहतूत के पत्ता खाता है। सहतूत के पत्ता खा के अपना ग्रंथि से
रेशम वाला पदार्थ निकालता है, उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। फिर है टसर रेशम, जिसको एंथ्रेरिया पैकिया कहते हैं। ये क्या होता है, ये साल बेर गुल्लर ओक की पत्तियाँ खाता है। ये सब रेशम के कीट किसका किसका पत्ता खाता है, साख के पत्ता खाता है, बेर यानी कि बैर, फिर गुल्लर ओक ये सब के पत्ता खाने का काम करता है। आप प्रोडक्ट क्या देगा, तो प्रोडक्ट वही देगा आपका रेशम जिससे बनता है, वो पदार्थ आपका स्रावित करेगा। फिर है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम क्या है, इसकी लार्वा दालचीनी की कुछ खाता है, दालचीनी इत्यादि की पत्तियाँ खाती है। ये कोची कुछ खाता है सब, दाल चीनी इत्यादि की पत्ती खाता है। दालचीनी वो पौधा है, मालूम है कि नहीं, दाल अलग है चीनी मत समझिएगा, दालचीनी वो पौधा है, उसी की पौधा के खात करता के आपका अथी देता है। फिर देवमूंगा रेशम। देवमूंगा क्या रेशम होता है, देखिए यह उत्तर प्रदेश एवं हिमालय के तराई में पाई जाती है। यह मैचिलिस व फाइकस की पत्तियाँ खाती है और यह पकड़ने की छाल बनाने की काम आती है, ठीक है। सब अपना 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 पसंद की चीज़ खाता है, लेकिन एक बात कॉमन है कि सब देता क्या है, तो रेशम देता है हम लोग के, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जैसे ऐसा अलग, लेकिन हाँ यही कि सभी प्रजातियाँ अलग अलग क्षेत्र में होता है, जैसे सब जीव सब जगह सर्वाइव नहीं कर पाता है ना, विशेष जीव कोई विशेष परिस्थिति में ही सर्वाइव कर पाता है जो उसके लिए अनुकूलित होता है। फिर इसके बाद है आपका ओक रेशम। ओक रेशम क्या होता है, यह चीन एवं जापान में पाई जाती है और यह एक उत्तम प्रकार की रेशम है। क्या है, उत्तम प्रकार की रेशम है। उत्तम प्रकार मतलब अच्छा क्वालिटी वाला रेशम है। कौन रेशम भाई, योक रेशम, ठीक है। चलिए इसके बाद है रेशम के कीट। तो रेशम के कीट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका जीवन चक्र कि रेशम के कीट का जीवन चक्र कितना दिन का होता है। रेशम के कीट एक लिंगायश्री होता है। क्या होता है, एक लिंगायश्री होता है। इसकी मादा कीट 300 से 500 अंडे देती है जो पत्तियों से चिपके रहते हैं। जो ये सब होता है तो अगर मादा जो है 300 से 500 अंडा देता है, वो सारा अंडा पत्ता से का होता है, चिपका रहता है। और कुछ दिनों के बाद लार्वा बनती है और यह लार्वा सूक्ष्म चिकनी एवं बेलनाकार होती है और इसे कैटरपिलर कहते हैं। फिर ये सब विकसित होकर के अपना रेशम के कीट में तब्दील हो जाता है और वो सब वही काम करेगा, पत्ता खाएगा, अपने ग्रंथियों से रेशम वाला पदार्थ निकालेगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कैटरपिलर के बारे में कि कैटरपिलर क्या होता है। यह अपने मुखांगों से शहतूत एवं अन्य पौधों की पत्तियों को चबाकर खाना शुरू कर देती है एवं महीने के बाद 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। वो सब जो बचवा बनता है लार्वा के बाद है, तो इसे अपना मुख से पत्ता को खाता है, खाते खाते 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा कुछ ज़्यादा ही है, नहीं वो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इतना बड़का बड़का कीट है और खा करके सब सियान हो जाता है। फिर देखिए इसका परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था मतलब कि जब वो सियान हो जाता है सब, तो यह परिपक्वन अवस्था प्राप्त करने के बाद यह भोजन ग्रहण करना बंद कर देती है और इसी अवस्था में इसे 2 जोड़ी लार ग्रंथियाँ विकसित होती है। ये जैसे परिपक्व होता है तो भोजन ग्रंथि सॉरी खाना बंद कर देता है और उसी दौरान उसमें 2 लार ग्रंथियों का विकास होता है। इन्हीं लार ग्रंथियों से ही रेशम वाला पदार्थ निकलता है, विकसित होती है। यही ग्रंथियाँ रेशम का स्राव करती है जो वायु के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। यह अपने अन्य ग्रंथियों से सेरीसिन के एक चिपचिपा द्रव स्रावित करती है, इसी के द्वारा रेशम के धागे का निर्माण होता है। यह कैटरपिलर 3 से 4 दिन में 1000 से 1500 मीटर रेशम के धागे का निर्माण करती है जो इसके चारों ओर लिपट जाती है, इसको कोकून कहते हैं। देखिए ये सब 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का धागा देता है सर, मात्र कई दिन में 3 से 4 दिन में देता है। वही लिप्टर आता है, वगैरह निकाले पड़ता है सब है, पत्ता में लिप्टर आता है, इसको निकालना पड़ता है सब बढ़िया से। फिर कोकूनों से रेशम प्राप्त करने की विधि है। कोकून से रेशम प्राप्त की विधि क्या है, यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। कैसे भाई, तो पहले स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होता है,
कोकूनों को गर्म जल में डालकर अंदर के प्यूपा को मार दिया जाता है। सबसे पहले कोकून को हम लोग गर्म जल में डाल के उसके अंदर के प्यूपा को क्या करते हैं, मार देते हैं, क्योंकि उन्हें अगर स्वयं बाहर निकलने दिया जाए तो वह रेशम को काट देंगे। यदि उसको खुद बाहर निकलने के लिए छोड़ दिया जाए तो रेशम को काट के बाहर निकल जाएगा। और कोकूनों को मारने की प्रक्रिया स्टिफलिंग कहलाती है। जो अंदर में कोकून होता है तो उसको हम लोग गर्म जल में उबाल के मार देते हैं, नहीं तो निकलेगा बाहर तक काट के निकलेगा, अगर जगह नहीं मिलेगा निकल लगी तो फिर रेशम हो जाएगा ख़राब है, इसीलिए उसको जल में उबा के तो आदमी हत्या करके रेशम प्राप्त कर रहा है सब, इतना पाप पड़ेगा आदमी के। फिर कहते रह जाएगा आदमी कि ये रेशमी झुलफे ये सरबती आँखें, ये तो पापी वाला काम हो गया हो। चलिए कोई बात नहीं, आदमी के पाप कर दीजिए, भगवान जी अगर विचार करेंगे। रिनिंग तथा स्पिनिंग क्या होता है, रिनिंग के बारे में जानते हैं। कोकूनों से रेशम निकालने की प्रक्रिया रिनिंग कहलाती है। कोकूनों से जो हम रेशम प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को रिनिंग कहते हैं। फिर इसके बाद स्पिनिंग क्या होता है भाई, कच्चे रुकिए थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद जाके आपको बताते हैं। देखिए स्पिनिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कच्चे रेशम को पुनः पानी में उबाला जाता है, जो कच्चा रेशा है उसको पुनः पानी में उबाला जाता है कच्चा रेशम को, और साफ किया जाता है। इसके बाद उसमें चमक लाने के लिए रासायनिक अम्लों को में घोला जाता है, तब जाकर रेशम के पक्के धागे बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है, यानी कि पक्का रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान बात है। रेशम उद्योग बहुत व्यापक है, रेशम उद्योग से ही तो हम लोग के जितना रेशमी कपड़ा है सब मिलता है। देखिए विश्व में रेशम उत्पादन में भारतवर्ष का द्वितीय स्थान है, पूरा वर्ल्ड में भारत जो है दूसरा नंबर पर है रेशम के उत्पादन में। ठीक है, विश्व का 18% रेशम भारतवर्ष में निर्माण किया जाता है। यहाँ 4 प्रकार के रेशम उपलब्ध हैं, मलबरी, एरी, यह कोमा होना चाहिए, मलबरी, एरी, तसर, मूंगा, ये 4 प्रकार के रेशम हैं। 1949 में भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत पूरा विश्व में दूसरे नंबर पर रेशम उत्पादन में है, और पूरा विश्व का अकेले 18% रेशम का उत्पादन करता है। और भारत में रेशम के लिए संस्थान कहाँ है, बेंगलोर में बना हुआ है। ठीक ना, और भी हम लोग के भी पढ़ना है, मछली पालन से पढ़ना है, खच्चर पढ़ना है। खच्चर जानते हैं ना, घोड़ी के जब संपर्क कराया जाता है गधा से, घोड़ी के संपर्क जब घोड़ा से करा दिया जाता है तो दोनों के निषेचन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम लोग खच्चर कहते हैं। तो खच्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये सब पशुपालन के बारे में बहुत सारा पढ़ना है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मार कौन कौन पालन पढ़ना है, सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालको।